यो यो व्हाट्स हैपनिंग यूट्यूब, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि हम ये वाले बिल्ड हैक को कैसे बनाएंगे माइनक्राफ्ट में, जैसे कि मैंने अपनी पुरानी वीडियो में दिखाया था कि हम यहाँ पे ऐसे करके जाएंगे ऊपर और ये सामने से ड्रैगन का हेड आएगा। हम इसी को बना के दिखाने वाले हैं कि हम ये कैसे काम करता है और इसकी रेसिपी भी आपको बताएंगे कैसे बनाना है। इसके लिए सबसे पहले आप कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बना लो, ये सीढ़ियाँ सीढ़ियाँ जैसा, और ये 1 2 3 ब्लॉक ऊपर होना चाहिए आपके सरफेस से, और फिर उसके बाद आप कभी भी बना सकते हो कितना भी आगे। मैं यहाँ बनाऊँगा जहाँ पे मुझे प्रेशर प्लेट चाहिए, तो मैं कुछ आपको कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनाना है, कुछ इस तरह का, और फिर इसके ऊपर रेड स्टोन रख देना है, और फिर यहाँ से ऐसे ये इस बीच वाले पॉइंट से 2 कदम दूर होनी चाहिए, 2 ब्लॉक्स दूर, और इसके यहाँ पे रेडस्टोन टॉर्च रख देंगे और फिर इसके ऊपर एक ब्लॉक रखेंगे, और इस तरह से ये कुछ डीजे वीजे बजेंगे, फिर उसके बाद ये अपने आप शांत हो जाएगी। फिर उसके ऊपर एक और ऐसे टॉर्च रखेंगे, फिर उसके ऊपर एक ब्लॉक और रेडस्टोन, और ये हमारा रेडी हो गया जो भी हमें चाहिए था, हमारे पास सब आ गया है आप देखो। और हम स्टिकी पिस्टन यहाँ पे रख देंगे और ये हमारा डोर बन चुका है स्टार्टिंग का। और इसके बाद देखिए कि इस तरह से हम आगे जाएंगे, और फिर ये पीप भी होता है किसी को डराने के लिए, ये इस तरीके से। और फिर इसके बाद आपको आगे वाली प्रेशर प्लेट से कनेक्ट कर देना है इसके नीचे से ही, कुछ ये ऐसे यहाँ से ऐसे कनेक्ट कर देना है, और आपको चेक भी करना है कि ये बज रहा है कि नहीं, मतलब जल रहा है कि नहीं। हाँ तो ये जल रहा है, और इसके बाद हम यहाँ पे कुछ इस तरीके से रेडस्टोन टॉर्च रख देंगे, फिर दोबारा चेक करिए कि रेडस्टोन टॉर्च कुछ इस तरह से बुझ जाएगी, और ये इस तरह से बुझ भी रही है। हाँ तो मतलब हमारा हैक अच्छी तरह काम करेगा। फिर इसके बाद हमें कुछ इस तरीके से रख देंगे यहाँ पे, और हम यहाँ पे अपने स्टिकी पिस्टन्स ले लेंगे, हम ये तोड़ देते हैं। और कुछ इस तरीके से स्टिकी पिस्टन्स रख देंगे, और उसके आगे ब्लॉक, और मैं एक चीज़ लेना भूल गया, रेडस्टोन रिपीटर, हमें रेडस्टोन रिपीटर भी चाहिए होगा ताकि वो थोड़ी टाइमिंग स्लो बना दे। कुछ इस तरीके से रख देंगे और फिर इसको थर्ड पे सेट कर देंगे सबको, और सबको थर्ड पे सेट करने के बाद हम यहाँ से ऊपर लेके जाएंगे अपना रेडस्टोन इस तरीके से, एक मिनट कोई प्रॉब्लम होगी शायद से। हाँ अब देखिए, अब इस तरह से आपको सारे सब जगह पे ब्लॉक रख देंगे, और ये देखो ये सब रेडी हो चुका है, और देखिए हम इसके बनाएंगे, और फिर कुछ देर बाद ही सारे गए, पर ये बिल्कुल अच्छी तरह वर्क करेगा। और उससे पहले आप इस तरह से कुछ कवर लगा दीजिए ताकि, और इस तरह से पूरा कवर कर देना है। हाँ तो गाइस अब ये रेडी हो चुका है देखो, अब हम आगे जाएंगे, और अब यहाँ पे हम नीचे गिर गए, और फिर जहाँ पे हम नीचे करेंगे हमें बिल्कुल यहीं से हमें 2 ब्लॉक नीचे खुदाई करनी है, 2 ब्लॉक नीचे पे तोड़ देने हैं और आगे लेके जाना है जितना मर्जी आपको आगे लेके जाना हो। मैं थोड़ा ही आगे लेके जाऊँगा, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे 7 to 8 ब्लॉक्स हो गए, हम नाप भी लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ 8 ब्लॉक्स हैं ये, तो 8 ब्लॉक्स। फिर हम नीचे रख देंगे रेडस्टोन, और रेडस्टोन नीचे रखने के बाद हम इसके ऊपर रख देंगे ब्लॉक, आप कोई भी ब्लॉक ले सकते हैं, और फिर इसे प्रेशर प्लेट से कवर कर देंगे ताकि नीचे का रेडस्टोन चार्ज हो सके। साइड की प्रेशर प्लेट तोड़ो, देखिए चार्ज हो रहा है, और बस आगे का थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है पर इतना भी मुश्किल नहीं है।
हमें इसके आगे, हम यहाँ पे गिरेंगे मेरे ख्याल से, अगर कोई आगे आ रहा हो तो यहाँ पे गिरेगा, तो फिर हमें इसके बिल्कुल 8 ब्लॉक्स के बाद 2 ब्लॉक आ गए, हमें इस जगह पे पिस्टन रखना होगा, इस जगह पे पिस्टन, और हमारा यहाँ पे कुछ इस तरह से पिस्टन आ जाएगा। इसको एक ब्लॉक और ऊपर कर लेते हैं, ऐसे पिस्टन आ जाएगा, और फिर हमें चाहिए होगा स्लाइम ब्लॉक, और हमारा स्लाइम ब्लॉक लगा देंगे ऐसे, और फिर नीचे से रेडस्टोन से इसे कनेक्ट करेंगे कुछ इस तरीके से। इस तरीके से कनेक्ट हो गया, और अब देखना अभी आगे आएगा, ये कुछ इस तरीके से होना चाहिए। हाँ, और इस तरीके से हो रहा है, हम इसे तोड़ देना है, ये वाला ज़रूरत नहीं है अभी। और अब हम यहाँ पे, हमें चाहिए होगा एक पेंटिंग और हमारे साइंस, और हम यहाँ पे हमारे साइन लगा देंगे, और इस तरीके के बाद हम यहाँ पे पेंटिंग भी लगा देंगे। इस तरीके से हमारी पेंटिंग भी लग चुकी है, जिस वजह से कवर हो जाएगा और ये अचानक से बाहर आएगा एकदम। और हम यहाँ पे लगा देंगे आइस, पैक्ड आइस, वरना आइस में पानी वानी सब हो जाएगा और सब ख़राब कर देगा ये, इसलिए यहाँ पे पैक्ड आइस लगाएंगे। और फिर अब आई है असली टेस्ट की बारी, ड्रैगन का सर लगा दिया गया है, तो क्यों ना स्टार्टिंग से करें। और अब और ये कुछ इस तरीके से होगा, देखिए बिल्कुल ऐसे ही वर्क कर रहा है, हमारा पुराना वाला था, और बस आपको इसे कवर कर देते हैं। तो गाइस अब ये बन के तैयार है, ये हेड किसने रख दिया, ये बिल्कुल तैयार है बन के, और ये देखिए खुल गया, और जब हम इस पे कदम रखेंगे और थोड़ा आगे जाएंगे और तुरंत ये, अब वो यहाँ पे रखा नहीं था शायद से, हाँ ये रखा नहीं था इसलिए काम नहीं किया। 1 मिनट यहाँ पे तोड़ देते हैं, वरना जब फंस जाएगा वो बाहर कैसे आएगा। अब आपको पूरा ओवरऑल एक बार दिखा देते हैं ये किस तरीके से काम करेगा। हमने इसे रख दिया है, और अब टेस्ट हो रहा है, और ये जगह पे कवर कर देते हैं वरना दिख जाएगा। हाँ, तो ये बिल्कुल एकदम लो, आपके फ्रेंड्स को डराने के लिए काफ़ी है, आपके फ्रेंड्स इसे डर जाएं शायद, क्योंकि ये इतना भी खतरनाक नहीं दिखता, पर ये किसी को चौंकाने के लिए बहुत अच्छा है। तो आप इस हैक को बिल्कुल ट्राई कीजिएगा, और अगली वीडियो होने वाली है बहुत ज़्यादा धमाकेदार, क्योंकि अगली वीडियो में मैं आपको बताऊँगा। सबसे पहले डे कर लेते हैं, टाइम सेट टू डे, हाँ अगली वीडियो में बताऊँगा कि कैसे बनाना है हमें ये हमारा एक कॉफ़ी मेकर। और ये देखिए यहाँ पे बिल्कुल ऐसा लग रहा हो जैसे कि यहाँ पे कुछ है ऊपर, और इसके ऊपर हम खड़े होंगे तो दबेगा, और हमारे हाथ में देखिए आ गया है हमारे हाथ में कॉफ़ी, या फिर कोई पोशन ऑफ स्ट्रेंथ, तो पोशन पी लेते हैं, और ये हमारे पास स्ट्रेंथ की पावर आ गई। और बताएंगे कैसे बनाना है ये विलेजर का हेड, और ये एक विलेजर, और कैसे पहनाना है एक विलेजर को आर्मर देखिए, और कैसे करेंगे ट्रैप विलेजर को ग्लास में, और कैसे बनाएंगे बहुत सारी स्टैचूज या मूर्तियाँ देखिए। और ये इसके हाथ में एक ही हाथ में शील्ड और स्वॉर्ड दोनों हैं, और ये इनको उल्टा कैसे करेंगे। और ये रहा मेरा फेवरेट पार्ट कि हम ये जो हेड होता है हम इसके ऊपर कभी भी वो नहीं पहना सकते हेलमेट, तो वो कैसे पहनाएंगे। हाँ, तो गाइस मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। रुको 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 रुको, कहाँ जा रहे हो, अभी एक और बचा है, उसके लिए हमें चाहिए होगा बो, ये भी आपको मैं अगली वीडियो में बताऊँगा कैसे बनाना है। और ये देखो, और आ गया हमारे सामने एक उल्टा कॉलम, बहुत डरावना कॉलम, एकदम उल्टा कॉलम, और मैं बताऊँगा कि कैसे बनाना है। इसलिए अभी के अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मैं आप मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय।